हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू बॉर्न बेबीज़ अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्मियों में बच्चों को घमौरिया होना, रैसेस होना, खुजली होना, लू लगना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप गर्मियों में बच्चों को एसी या कूलर में सुलाना सेफ़ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या गर्मियों में बच्चों को एसी या कूलर में सुलाना सेफ़ है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि बच्चा जो बीमार ना हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि गर्मियों में बच्चों के कमरे में ठंडक रहने से बच्चों को काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक रहने से बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है और बच्चे को ठंड लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसी या कूलर का टेम्परेचर हमेशा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। एसी या कूलर का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ना ही कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो आप बच्चे को पूरे दिन एसी या कूलर में रख रहे हो, जितना हो सके बच्चे को पंखे में रखने की कोशिश करें। जब बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बिल्कुल ना सो रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस वक्त ही आप एसी या कूलर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना हो सके शाम के समय एसी या कूलर का इस्तेमाल कम करें, बच्चे को नेचुरल ठंडी हवा दें, खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि नेचुरल हवा भी बच्चा ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी बच्चे को एसी या कूलर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना सुलाएं। हमेशा बच्चे को सुलाते वक्त बच्चे को फुल कॉटन के कपड़े पहनाएं, हमेशा गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनाएं, और बच्चे को जब भी एसी या कूलर में सुलाते हैं तो बच्चे को लाइट बेडशीट से ढककर सुलाएं। इसके साथ बच्चे की एसी की हवा जो है बच्चे के सिर पर भी डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्मियों में बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, बच्चे की मालिश रोज़ाना करें ताकि गर्मियों में बच्चों की स्किन ड्राई ना हो, स्पेशली अगर बच्चे को एसी या कूलर में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को कभी भी एसी या कूलर से निकालने के बाद सीधा गर्म जगह पर लेकर ना जाएं, क्योंकि बच्चा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता है और ठंडी गर्म होने से बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं। जब भी आप बच्चे को बाहर ले जाएं तो हमेशा 10 या 5 मिनट पहले एसी को बंद कर दें, उसके बाद बच्चे को दूसरी जगह पर लेकर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ैन सेफ होता है। जितना हो सके गर्मियों में बच्चों के लिए फ़ैन का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में ही एसी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिश करें कि बच्चे के कमरे को नेचुरली ठंडा रखें, 10 बजे के आसपास अपने कमरे को बंद कर दें, सारे पर्दे बंद कर दें ताकि बाहर की गर्म हवा जो है वो कमरे में ना आ सके। लाइट्स जितना हो सके कम जलाएं, लाइट से भी जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बच्चे को गर्मियों में लाइट कॉटन के कपड़े पहनाएं, लाइट कलर के कपड़े पहनाएं ताकि बच्चे को गर्मी कम लगे। जितना हो सके बच्चे को गर्मियों में डायपर कम पहनाएं और बच्चे की मालिश के लिए जो है वो ठंडी तासीर वाले तेल का इस्तेमाल करें। थैंक यू मॉमीज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मदर्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।